हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 12 मई 2019 को जेबीटी का जो कमीशन निकाला गया था उसमें कोर्ट द्वारा बीएड पास को भी परीक्षा देने की अनुमति दी थी, जिस कारण यह केस पिछले 2 वर्षों से कोर्ट में लटक रहा है, जिस कारण जेबीटी धारकों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। इस मुद्दे को लेकर चंबा में जेबीटी धारकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और एसी चंबा के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन पत्र भेजा गया, जिसमें जेबीटी डीएलएड बेरोजगार प्रशिक्षुओं द्वारा न्याय की मांग की गई। जेबीटी धारकों का कहना है कि जेबीटी की बैचवाइज भर्ती में बीएड धारकों की पात्रता रद्द हो और जेबीटी कमीशन से बीएड धारकों को अलग कर जेबीटी कमीशन का रिजल्ट निकाला जाए ताकि जेबीटी धारकों को उनका हक मिल पाए। जिला प्रशासन के द्वारा अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हम जेबीटी वालों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को तुरंत सुने और उस पर उचित कार्रवाई करें। हमारी 12 मई 2019 को काउंसलिंग हुई थी जेबीटी की, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट लटक रहा है। कारण बीएड वालों का उसमें दावेदारी जताना। हम ये चाहते हैं कि जो स्ट्रीम जिसकी है उसमें वही काम करे। अब कोई आईएएस एचएएस का काम नहीं कर सकता, कोई पीजीटी टीजीटी का काम नहीं कर सकता, कोई ऑर्थोडॉक्स डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकता। मेरे बोलने का मतलब है जिसका जो ट्रेड है उसी ट्रेड में काम करे। और हम ये चाहते हैं कि जेबीटी के ट्रेड को वही मान और सम्मान मिले। जब कोई इंसान किसी दूसरे के घर में घुसता है और वहाँ दखलअंदाजी करता है तो कोई सहन नहीं करता। तो हम भी यही चाहते हैं कि अगर जेबीटी के घर में बीएड वाले आते हैं और यहाँ आके अपना हक जताते हैं, दावेदारी जताते हैं, तो संघर्ष तो निश्चित ही है। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से जेबीटी की तरफ से सभी से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि आप कृपा करके हमारी मांगों को सुनें। हम जेबीटी धारकों की ये मांग है कि जेबीटी बैचवाइज भर्ती में बीएड धारकों की पात्रता रद्द हो, जेबीटी कमीशन से बीएड धारकों को अलग कर जेबीटी का रिजल्ट निकाला जाए, ईटीटी के प्रमाण पत्र की पूरी जांच के बाद ही उन्हें जेबीटी के लायक समझा जाए। नंबर 4, जेबीटी डीएलएड के ट्रेड का मान और सम्मान रखा जाए।